वेलकम बैक फ्रेंड्स, शर्मा डिजिटल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका, आपका आधार कार्ड और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको भर के आप या तो स्कैन कर लेंगे या तो मोबाइल से फोटो कैप्चर कर लेंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेने के बाद तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं फुल प्रोसेस इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का। सबसे पहले हम isathiup.gov.in पे आएंगे और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। isathiup का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आवेदन पत्र के नीचे आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ग्रामीण या शहरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी में टाइप करेंगे, उसके नीचे प्रार्थी का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, उसके बाद उसके पति, पिता या संरक्षक का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद उसकी माता का नाम टाइप करेंगे, फिर उसका मकान नंबर, उसका मोहल्ला, उसका जनपद और उसकी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका ग्राम सेलेक्ट करेंगे, देन उसका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद व्यवसाय में कृषि टाइप कर देंगे और नीचे परिवार का विवरण देंगे, उसमें आप एक लिखेंगे और यहाँ पे प्रार्थी का नाम टाइप कर देंगे, फिर उसका व्यवसाय कृषि और जितनी उसकी आमदनी है वो टाइप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 42,000 लिख देते हैं। अब पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, बाकी चीज़ें ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे अन्य स्रोत से इनकम पे 42,000 लिख देंगे और बाकी के ऑप्शन जैसे हैं वैसे रहने देंगे। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे राशन कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर डाल देंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र बनाने का कारण सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने अन्य सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे टाइप करेंगे किस लिए बनाना है। जैसे वृद्धा पेंशन के लिए बनवाना है तो वृद्धा पेंशन लिख देंगे, और कुछ है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा सक्सेसफुली। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इसका प्रिंट निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करें, फिर क्लिक कर देंगे और हम पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ हम फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप या तो QR कोड पे क्लिक करेंगे या फिर UPI पे। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इस QR कोड को अपने किसी भी UPI ऐप से स्कैन करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। आपका पेमेंट डन हो जाएगा, फिर सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे और आपके पास फाइनल रिसिप्ट निकल के आ जाएगी। अब आप इसको कहीं सेव कर लेंगे। तो वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस द्वारा आप ये अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।